काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार ने सड़क पर की सप्तर्षि आरती। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूटी, महंत परिवार का मंदिर में प्रवेश वर्जित। जो आप लोग बोल रहे हैं कि वो अंदर न जाके यहीं करिए, तो हम लोग यहीं कर रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सनातन धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विवाद उत्पन्न हो गया है महंत परिवार और मंदिर प्रशासन के बीच में। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत परिवार के वरिष्ठ सदस्य शशिभूषण त्रिपाठी ने बताया कि उनका परिवार काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती 300 वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन गुरुवार को सप्तऋषि आरती के लिए जाते वक्त उनको मंदिर प्रशासन ने यह कहते हुए रोक दिया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कैलाश मंदिर के मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। ये हजारों साल का परंपरा है, आज ये पहली बार ये सड़क पर किया गया। दूध-दही सब यहाँ बाबा का आह्वान करके हम लोग चढ़ा दिए। यहाँ पर लोग बोले कि नहीं, आप मंदिर गर्भगृह में नहीं जाए। ये आज का परंपरा नहीं, हजारों साल का। मंदिर प्रशासन ने महंत परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका। मंदिर के अंदर वेतन भोगी पुजारियों से संपन्न कराई आरती। काशी विश्वनाथ मंदिर की सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा टूट गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार के पुजारियों ने मंदिर में प्रवेश करने से रोके जाने से नाराज होकर बीच सड़क पर ही सप्तर्षि आरती कर दी। महंत परिवार के पुजारियों ने आरती के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाकायदा जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सप्तर्षि आरती को बीच सड़क पर संपन्न किया। अब तक सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा विश्वनाथ की सप्तर्षि आरती महंत परिवार के सदस्यों द्वारा ही कराई जाती रही है, लेकिन यह परंपरा उस वक्त टूट गई जब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने आरती करने जा रहे महंत परिवार के पुजारियों को रास्ते में ही रोक दिया और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। इससे नाराज होकर महंत परिवार के पुजारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर एकजुट होकर सबसे पहले फूल माला से बाबा काशी विश्वनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाया, फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हुए सप्तर्षि आरती पूरी की। इस मौके पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत परिवार के वरिष्ठ सदस्य शशिभूषण त्रिपाठी ने बताया कि उनका परिवार काशी विश्वनाथ की सप्तर्षि आरती हजारों वर्षों से करता रहा है, लेकिन गुरुवार को सप्तर्षि आरती के लिए जाते वक्त उनको मंदिर प्रशासन ने यह कहते हुए रोक दिया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कैलाश मंदिर के मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके महंत परिवार के कैलाश मंदिर में कॉरिडोर के काम के दौरान न केवल क्षति पहुंचाई गई थी, बल्कि मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण के लिए केवल मकान का ही कुछ हिस्सा देने की ही बात हुई थी, न कि कैलाश मंदिर को, लेकिन कैलाश मंदिर को क्षति पहुँचाई गई, जिसकी शिकायत उन्होंने मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से की थी और SSP साहब को भी फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद वो गुरुवार को पुरानी परंपरा को निभाते हुए रोज की तरह 14 पुजारी सप्तर्षि आरती में जा रहे थे, लेकिन उनको रोककर मंदिर के अंदर वेतनभोगी पुजारियों से आरती संपन्न करा ली गई। सप्तर्षि आरती महंत परिवार के पुजारियों से कराने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने आगे बताया कि अगर जब तक उनको ऐसे रोका जाएगा, तब तक वो सड़क पर सप्तर्षि आरती करते रहेंगे। सप्तऋषि आरती भगवान को कैलाश पर्वत पर जब थे, बैराग हो गया था, इसका बहुत बड़ा बृहद है। उस समय जो है सारे लोग जब उनसे थक गए कि भगवान विश्वनाथ शादी नहीं करेंगे, तो ये सप्तऋषि ये प्रार्थना उनको सुनाए हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं? तो आप सप्तऋषि आरती नहीं देखते हैं, भगवान को नहलवाते हैं, धुलवाते हैं, उनको सब कुछ करने के बाद श्रृंगार करके राज राजेश्वर बैठ के इस आरती को वो श्रवण करते हैं।
और आरती श्रवण करके वो बहुत ही प्रसन्न होते। आप लोग आके देखिए सारी आरती कैसी होती है, सब ऋषि कैसे होता है, लेकिन ये हम लोगों को वंचित किया गया। हमारा क्या अपराध है, हमारा क्या कसूर। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट है।